नमस्कार, आप देख रहे हैं आज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। आरएलपी का चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी। जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे मिर्जेवाला ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में आगजनी की घटना के लापरवाह कर्मियों को ग्राम पंचायत से हटाने और मिर्जेवाला और उसके आसपास के गांव, कस्बों और चिक्कों में भूख और ठंड की वजह से मर रहे आवारा पशुओं के लिए हरे चारे और कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गौशालाओं या नंदीशाला में भिजवाने को लेकर आज चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। धरना स्थल पर आरएलपी डायरेक्टर हसन मोहम्मद, नवीन भगत, अनिल गोदारा, आईटी मानवाधिकार संगठन प्रदेशा अध्यक्ष तेजपाल नायक आजाद, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश कपूर, जिला अभिभावक संघ अध्यक्ष बॉबी पहलवान, मोहनलाल गुप्ता। धरने पर उपस्थित रहे हसन मोहम्मद ने बताया कि मांगे मानी जाने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हसन मोहम्मद ने सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद किया जो सच की आवाज को लगातार उठा रहे हैं। हसन मोहम्मद ने कहा कि झूठ की रफ्तार भले ही बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुँचता है। अनुग्रह से डीएल सारस्वत की रिपोर्ट। 27 दिसंबर को मिर्जीवाड़ा ग्राम पंचायत में आगजनी हुई थी और जिन कर्मचारियों की वहाँ पर ड्यूटी थी वो कोई भी मौके पे 1:30 बजे के करीब जब आगजनी हुई मौके पे ग्राम पंचायत में पहुँची नहीं थी। लाइट भी वहाँ पे नहीं थी। इनकी लापरवाही की वजह से वहाँ पे आगजनी हुई है। हमारी एक ही प्रशासन से मांग थी कि जो इस आगजनी में लापरवाह कर्मचारी है उनको मिर्जीवाड़ा ग्राम पंचायत से हटाया जाए, जिनकी वजह से ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड चल गया। और दूसरा, मिर्जेवाड़ा और आसपास के जितने भी गांव हैं, लोग क्यों दौलपुरा, संतपुरा, सुंदरपुरा, बटेली, रठान, तमाम जितने छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों के अंदर सैकड़ों की संख्या में छोटे आवारा पशु हैं। उन पशुओं को ना तो कोई खाने की व्यवस्था है, ना उनके रहने की व्यवस्था है, जिसकी वजह से इतनी भयंकर ठंड की वजह से छोटे छोटे पशु हैं वो रोज़ इन गाँव में बड़ी संख्या में मर रहे हैं। प्रशासन को कई बार इस मामले में भी अवगत करवा दिया। तमाम इन आसपास के इलाकों में जितने भी आवारा पशु है उन पशुओं को नंदीशाला या गौशाला में जब तक शिफ्ट नहीं कराएंगे और मिर्जेवाड़ा ग्राम पंचायत में आगजनी के जो लापरवाह कर्मचारी है उनको जब तक ग्राम पंचायत से नहीं हटाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिला कलेक्टर कार्यालय तो निश्चित कार्य करना जरूरी है। आपका नाम सर? अनिल गोदारा।